जय हिंद दोस्तों, प्यारे मित्रों, मैं आपके सामने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके थे जिसमें आप लोग देख पाए कि कौन सा भिन्न बड़ा है। अब आपको यहाँ पे लेकिन आपको यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं इसमें आपको पता करना है कि कौन सा भिन्न छोटा है। तो हम चलिए इस पूरा टॉपिक का आपको फायदा उठाने के लिए हमारे वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी छोटे छोटे चीज को टॉपिक को डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन तौर पर आपके पास पहुंचेगा। क्योंकि बोला जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है, और ये भी बोला जाता है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। इसलिए हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम आपके सामने दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कौन सा आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा हुआ कि निम्न में से कौन सा भिन्न छोटा है। आप यहाँ पे पहले वीडियो में बता चुके कि आपको सबसे पहले डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस यहाँ पे दोनों के बीच का आप डिफरेंस देख रहे हो, वन यहाँ भी वन और यहाँ भी वन और यहाँ भी वन, मतलब क्या इसमें तो खेला हमारा एलसीएम का, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा वन ही आएगा। मतलब आपको इसमें क्या करना है कि जो भिन्न आपका ऊपर में छोटा है वही भिन्न आपका सबसे छोटा होगा। तो देखिए इसका अंश में कौन सा छोटा है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 24, यहाँ पे 34 है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 15 है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 15 बाय 16 हो जाएगा, यही भिन्न आपका सबसे छोटा होगा। तो चलिए ऐसा यदि आपको पता होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दिएगा। जो नई नई ट्रिक को पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको कौन सा टॉपिक का ट्रिक चाहिए। तो चलिए हमारे मैथ्स प्रोग्राम बन रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।